रसूल बिनीम बिस्मिल्लर नाजरीन कराम नाइनटी टू न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम सुबह नूर में आपका मेज़बान ामी और उसके साथ ही आपकी खिदमत में और आपके अहल ख़ाना की खिदमत में सलाम और दुआएँ पेश करते हैं हज़रत अबूअनीस मोहम्मद बरकतली रमा तलीफ़ अस्मा नबीकरीम से रसूल सल्ला वसलम का एक इसम मुबारक पढ़ने की सहादत हासिल करते हैं सैदना अल्हादी जो सल वसल्लम हमारे सरदार रहनुमाई फ़रमाने वाले सलाम भेजे अल्लाह आप पर आप सल्ला वसल्लम की आल पाक पर और साहब के राम रजवानल तजमी पर हज़रत सै अनस से रज़ी अल्लाह तह से है कि औरतों ने हज़ू नबी करीम सल्ह वसलम की बारगाह अकदस में अर्ज़ किया या रसूल्ला हम क्या अमल करें कि हमें भी मुजाहिदीन इस्लाम के बराबर अजर मिल जाए आप फ़रमाया जो ख़ातून घर में मौजूद रहे ताकि अपने शौहर के माल औलाद और अपनी पाक दामनी की हिफाजत कर सके तो उसे मुजाहिदीन के बराबर अजर और हिस्सा मिलेगा ये रवायत सही बुखारी में बयान की गई है नाजरन कर हमारा आज का मौजूदी ख़वाीन से मुतक़ है और उन खुशकस्मत ख़वात से मुतक़ है जिन्हें रसूल अल्लाह वसलम की, की ज़बान वही तर्जमान से जन्नत की बशारत दी गई किसी भी मुसलमान के लिए इससे बड़ी इज़्ज़त शरफ़ और इम्तियाज़ और सदत की कोई बात हो नहीं सकती कि नबी अकरम सल्ला वसलम की ज़ुबान मुबारक पर उसका नाम आ जाए और आप सल्ला वसलम उससे माहवितकल्लुम हो इस पर भी दोनों जहान की नेमतें ने कुर्बान की जा सकती हैं और उसका क्या मर्तबा होगा जिसे जैसे हज़रत वसलम ने कमाल रहमत से कमाल महब्बत से जन्नत की बशारत दी मैं तो ये समझता हूँ कि नबी करीम सलीम का मुखातब होना आप की तवज्जो का मरक़ बनना आपकी मोहब्बत होना और आपका शफ़कत से पुकारना किसी को ये जन्नत से भी बड़ी नेमत है लेकिन बहरहाल ये एक इम्तियाज़ और शरफ़ है सहाबा कर राम रजवानल तजमइन में दस सहाी ऐसे हैं जिन्हें हम अशर मुबर कहते हैं वह दस सहाबा जिन्हें जन्नत की बशारत दी गई उनमें खलफ़ा राशिदीन हैं और छः बाकी असहावे कराम हैं और उनके अपने फ़ज़ाइल हैं उनके अखलाक किरदार पुख्तगी ईमान ख़दात इस्लाम के नतीजे में अल्लाह के रसूल सल असम ने अपनी इतात और मोहब्बत को पेश नज़र रखते हुए जो उनके दिलों में थी उन्हें जन्नत की बशारत दी थी रसूल सला वल्लम रहमत आलम उस माशरे में जहाँ औरतों को बेटियों को जिंदा दर कर दिया जाता था जहाँ औरतों को बुनियादी इंसानी हकूक़ देने का कोई तसवर नहीं था वहाँ आपने औरतों की सरबुलंदी के लिए और उनके जायज़ मकाम माशरे में उन्हें देने के लिए आवाज़ बुलंद फरमाई आपका सारा पैगाम औरतों को उनके जायज़ हकूक़ देने के हवाले से है आपने ईमान में ईमानियात में और अजर षवाब में औरत और मर्द में किसी नोयत की कोई तखस और तफरीक बरकरार नहीं रखी आप सल्ला वसल्लम ने जिस तरह मर्दों को जन्नत की बशारतें दी हैं इस तरह आपने मुतद ख़वातिन को भी जन्नत की बशारतें दी हैं उसमें भी मैार वही है इतात रसूल मोहब्बत रसूल इस ख़िदमत इस्लाम उसमें सर फ़हरिस्त अमिनज़रत सैद ख़दीजा हैं ख़ातून जन्नत हज़रत सैद फ़ातमत ज़ाहरा हैं उमिन हज़रत आयश सद्दीक़ा हैं उम्मा हज़रत हफसा हैं और हज़रत अम आयमन जिनका बरका है हैं आप देख लीजिए कि इन तमाम ख़ातिन में जो एक कदर मुश्तरक है वो मोहब्बत रसूल है इतात रसूल है और रसूल सल्ला वसलम के दिल में ख़ुद इन खाविन की जो कदर व मंजिलत है जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो हज़ारों जन्नतों से बढ़ कर है आज हम ऐसी छः मुक़दसियात का जिक्र करेंगे अपनी गुफ्तु में और उनकी शख्सियत उनके अखलाक उनके किरदार उनकी खिदमत का जिक्र करेंगे जो वसल्लम की ज़ुबान से जिन्होंने जन्नत की बशारत पाई उनसे बड़ा खुशनसीब कौन हो सकता है और ज़िमनन हर एक सहाबी सहाबिया जिनका ज़िक्र पाक अभी होगा उनके अखलाक और किरदार में आज की ख़ातिन के लिए क्या पैगाम है और वो किस तरह आज की खुवान के लिए मशलरा हो सकती हैं ज़िमनी तौर पर यह भी साथ, साथ बात चलती रहेगी आज हमारे मज़ज़ मेहमानों में आपकी पहचानी शख्सियत मुफ्ती मोहम्मद फ़ारुक कादरी साहब हैं जो तशरीफ़ लाते हैं और रौनक बढ़ाते हैं हमारे प्रोग्राम की हमारे दूसरे मोहतरम मेहमाना मोहम्मद अहमद बरकती साहब हैं हमारी <क्थाथ> तीसरी मेहमान जो पहली दफ़ा प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं मोहतरमा कोरतुल कुरतुलरा साहबा जो एक मकामी यूनिवर्सिटी में अरबी ज़बान और अदब की प्रोफेसर हैं और माशाल्लाह बहुत एक्टिव और बहुत बासलाहियत हैं मैं आप सबको फ़र्दन फरदन खुशाम कहता हूँ सच यह है कि आपकी तशरीफ़ आवरी से हमारी इज़्ज़त अफजाई भी होती है और इल्म इल्मी भी होती है <coughs> मोहतरम मुफ्ती साहब आपसे मैं अर्ज़ करूँगा कि हज़रत फ़ातिमा बिन तसद की जो शख्सियत है रसूल सल वसलम की किस तरह उन्होंने मोहब्बत फ़रमाई जानबैन में कैसी मोहब्बत थी और पूरी ज़िंदगी रसुल्लम उन्हें याद फ़रमाते रहे उनका उनकी अज़मत किरदार उनके वफ़ात के वक्त रसुल्लुस की जो हालत थी उनकी कब्र और तदफ्फीन के मौके पर आपने जिस तरह उन्हें प्रोटोकॉल एक तरह से दिया और जन्नत की बशारत उनके लिए थी इस पर आप इर्शाद फ़रमाएंगे बिस्मिल्ल किबला डॉक्टर साहब हमारे लिए शर्फ़ और एजाज़ की बात है कि आज हम खल के खुदा में से इंसानों में से अखियार अशराफ और बेहतरीन सभाल ख़वात जो अल्लाह के यहाँ मकबूल थीं और जो सुबह कयामत तक आने वाली तमाम इंसानियत के लिए रोल मॉडल है बेशक उनका जिक्र करने जा रहे हैं हज़रत फ़ातिमा बिनते असद जी सलाम आप बाबो मदीना तेलम मौलायना तब क्या शरत आप उसी तरह बहू हैं हजरत अब्दुलम की जिस तरह हजरत सदा आम थी आप हजरत हाशम रजी अल्लाह ती यानी रसूल सल्लाम के परदादा परदा उनके बेटे असद की अच्छा औलाद में से है माशा यानी हजरत अब्दुल अब्दुलब के सोतेले जी, भाई जी, जी 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 उनकी औलाद में से अच्छा। हैं. तो इस एतबार से आप हाशमी हाशमी हैं. हैं। हज़रत आपदा खातून जन्नत जनाब फातिमा जहरा की सास साहबा तो है क्या बात है आपकी पहचान आपकी शख्सियत का एजाज ये है कि जब रसूल अक्रम सम की वालद माजिदा हज़रत सैदा आमिन का विसाल हुआ उसके बाद इन्होंने की खिदमत का और औरूर की परवरिश का शरफ़ ज़ाहरी हासिल सुबहान और उसमें कमाल बात यह है जो आम तौर पर ख़वात की जो ज़ाती खसलतें हैं उसके बरक्स है किसी भी माँ के लिए सबसे मुश्किल काम है अपनी औलाद पर किसी और को तरजीह देना सुबह अल्लाह बहुत अहम बात है ये चाहे अपनी औलाद का रंग जैसा भी हो जी बिल्कुल उसकी आदत, अतवार और ख़ूबियाँ और क्वालिटीज़ कितनी ही मधम क्यों ना हो फिर भी वो अपनी औलाद पर किसी दूसरे के काबिल बच्चे को भी तरजीह नहीं देती सही आमतौर पर ऐसा ही है ऐसा ही, है। ऐसा, ही। है। ऐसा ही लेकिन हज़रत फातिमा बिन तसद ने अपनी औलाद पर वसल्लम को बचपन में भी तरजीह दी और इसका खुद अल्लाह के रसूल, रसूल सल्म हुजूर की भरपूर खिदमत की और मैं इनकी सारी शख्सियत को अल्लाह के हबीब्लाम के अल्फाज में ही अच्छा वो जो सरकार का एक खाका पेश फरमाया वही मैं अर्ज मारूफ हदीस है जो मुस्लिम में भी है तिबरानी में भी है और बहुत सारे मुहदसिन ने इसको हजरत अनस से नकल फर अच्छा जब इनका विसाल हुआ जी तो अल्लाह के रसूल सलाम तक ये खबर पहुंची तो आपको रंजो मलाल हुआ आ, आप जल्दी से तशीफ लाए और आपकी चश्मान अकदस से अश्क रवा थे इनके करीब बैठ के अच्छा अभी जसद खाकी है और आप करीब बैठे अल्लाह डॉक्टर साहब बड़े ये रिक्कत आमेज़ लम्हात थे बेशक तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाने लगे रहिमा किल्लाहु या उम्मी अल्लाह सुभान मेरी माँ सुभान अल्लाह अल्लाह अल्ला। आप पर रहम फरमाए कमाल है जी कुंती उम्मी बाद उम्मी हाँ हा। मेरी हकीकी माँ हजरत आमिना के बाद आप ही मेरी माँ थी सुभान अल्लाह क्या कमाल है कितने एजाज वाले अल्फाज़ देखिए मुफ्ती साहब जो ममदूह आलम है जो ममदूह खुदा है वो एक खातून की तारीफ कर रहे फरमा रहे हैं और एक एक लफ्ज सदाकत के नूर से हाय हाय मुझे अच्छी तरह याद है मेरी माँ अल्लाह मैं भूल नहीं सकता मेरे बचपन में आप खुद भूखे रह लेती और मुझे हजूर ने उनके खाना खिलाने को कभी फरामोश नहीं किया कि आप अपने बच्चों को बाद में खिलाती पहले मुझे पहले मुझे खिलाती थी।, थी फिर फमा वाता अरे ना वा नहीं आप नया लिबास मुझे पहनाती अपने बच्चों को बाद में पहनाती और फरमाया तुरी दीन अभी जाली का वजह अल्लाह ही व दार अल आखिर सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह के बीच में उनके इखलास की शहादत खुद पेश फरमाई फर मैं समझता हूँ मैं जानता, जानता हूँ आप ये सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी लाने का हुक्म दिया जब पानी आ गया तो अल्लाह के अबीब आसमाम ने गसल के लिए जो पानी आया उसमें अपने हाथ मुबारक डाले अच्छा ताकि उस मुबारक हाथ की बरकत उस पानी को पहुँचे और उससे आपको फ़ायदा हो तुम खाला आ रसूल सल्ला फिर आपने अपनी कमीज़ मुबारक उतारी और फरमाया उसको कफन में शामिल करो सुबह कफन हाँ कफन में शामिल कर लिया गया फिर आपने सहाबा को हुक्म दिया कबर तैयार हुई तो अब आप कबर के पास तशीफ ले आए जी इससे पहले के जनाजे के बाद आपको कबर में उतारा जाता खुद अल्लाह के हबीब्लाम इनकी कबर में तशीफ ले और कबर में लेट गए क्या बात और लेट कर आपने ये अल्फ़ाज इरशाद फरमाए कि अल्लाजी ला अल्लाह वो है जी जो एक ख़ुदा है वह शरीक है युही ही व युमीत वही है, देता है, है, है और जिन्दग... मौत देता है वह और वह ऐसा है कि उसको कभी मौत नहीं आएगी उसके बाद जो आपने अल्फाज फरमाए मेरी सारी गुफ्तगु का माहसल माहसल है।, है आपने ये अल्फाज इस तरह पढ़े अल्लाह मग फिर ली उम्मी फातिमा बिनते असद अल्लाह लग मेरी माँ फातिमा बिनतेद की बख्शिश फरमा व लकिन हा हजतहा इनको इनकी हजत तलकीन फरमा अलहा मुद खलाहा इनकी कबर को वत फरमा। अच्छा। फरमाया अच्छा बेहक नबी का मिन सब सब ये वो दुआ है वो अल्फाज है पूरे हदीस में मैंने कभी रसूल की जबान से इस तरह की दुआ और नहीं पड़ी। कमाल मुफ्ती साहब। जो ने इस इस ने में दो बातें ऐसी हैं जो मैं प्रोग्राम पर आपसे दोबारा जी जी बहुत जरूरी है वो अच्छा। उनकी विज़ाहत करना अब ये जो अल्फाज फरमाए वो ये हैं कि अल्लाह मेरी माँ फातिमा बिनते असद की बख्शिश हजरत आदम से लेकर हजरत वसीला और फिर तुझे तेरे महबूब मोहम्मद वसीला मेरी मां फातिमा के पक्ष दे <laughs> सुभान अल्लाह सुभान यहां लोग वसीलों पर ले दे करते और हैं और तबर्रक जो आपने कहते हैं कि आप जिंदा का वसीला दे सकते हैं जी। नबी पाकलाम ने एक लाख चौबीस हजार कम विशाल फरमाए हुए का खुद वसीला पेश फरमाया और हजरत फातमा असद के लिए दुआ फरमाई हाँ। इससे आगे किसी और दलील की हाजत नहीं रहती बेशक। फिर आपने जनाज़ा फरमाई अच्छा। नमाज जनाज़ा में एक रिवायत के मुताबिक अरबान चार तकबीर अच्छा। पढ़ा और दूसरी रिवायत में है कि आपने सत्तर तकबीरें आप ऐसी कैफियत अश्क वाँ। वाँ। थे और रसूल तकबीरें पढ़ते सत्तर तकबीर हो गए और जनाबे वाला इमाम हाकिम ने हदीस नकल की है कि रसूल आल्लाम ने, ने फरमाया जब्राहील मेरे पास आए मुझे बताया कि अल्लाह फरमाता है जी। कि फातमा बिन असद जनती है और मैंने हुक्म दिया है इसके जनाजे में सिर्फ आपके सहाब ही ने नहीं बल्कि सत्तर हजार मलाइका ने भी शिरकत की है। है। ये सुभार थी वो जलीब कदर खातून जिसकी तारीफ जिसकी तोसीफ़ और जिसकी मदा खुद जबान्ल सुबह सब आप सलामत रहें मोहतरम बरकाती साहब इन्हीं की साहिबजादी हज़रत उम्मानी भी उन नामवर हस्तियों में से हैं जो रसोल्लाम की मोहब्बत का और शफकत का मरकज़ रहीं और उनके भी अपने मदारज और दर्जा हैं उन्हें भी जन्नत की बशारत रसोल्ल वम नेता फ़रमाई उनकी शख्सियत उनकी खिदमांत जो उनके इम्तियाज़ात हैं और उनकी जो पुख्तगी किरदार है उस हवाले से मन हम मिन और सदक 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 आज का प्रोग्राम इस एतबार से भी अहमियत का हामिल है कि आशरा मुबशर का तो जिक्र अमूमन होता होता है लेकिन ख़ुतिन के हवाले से ज़रा ज़िक्र कम सुनने को मिलता है तो आज का ये प्रोग्राम उसी चीज़ के हवाले से ही एक वजाहती प्रोग्राम भी है और तशरी प्रोग्राम भी है शक तो जो आपने इस्तार फरमाया हज़रत सदा उम्म हानी रज़ी अल्लाह हवाले से तो आपका नाम फाखता था और कुनियत अपने साहबजादे की नस्बत से आपकी मशहूर थी हानी बेटे का नाम जी हानी आप बेटे का नाम था तो आप हज़रत सैदना मौलानी ममरतजा शिर ख़ुदा करमल्ल करीम की हम हमशीरा मोहतरमा थी सुबह और अभी जिस हस्ती का ज़िक्र किया गया हज़रत सद फ़ातिमा बिनते असद सलामल तहा उन्हीं से ये तवलु थी तो हम देखते हैं कि हज़ूर सलील तल वसम के घराने में से बहुत सी ऐसी शख्सियात भी थी जिनका इस्लाम बल अज़ वक्त हो चुका था ठीक। लेकिन इजहार बाद, बाद में हुआ उन्हीं में से एक ये भी थी जिनका कबूल इस्लाम का इजहार फतेह हुआ। पे। और उसके अंदर एक थोड़ी सी वजाहत मैं अर्ज़ कर दूँ वो शायद इसलिए भी था चूँकि अबू जहल का एक भाई जो बाप की तरफ से हकीकी था माँ की तरफ से नहीं था जी। वो इनका खामन था और वो काफिर था जी हाँ। तो वो कुफर पर डटा रहा तो उसकी वजह से भी आपने अपने इस्लाम को मखफी रखा रखा तो जैसे ही फतेह मक्का हुई तो उस वक़्त उन्होंने अपने इस्लाम का बर्मला इजहार, इजहार किया और ऐसा इजहार किया ऐसा इजहार किया कि जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु हजूर मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए हैं उसी दिन किसी और के घर में नहीं गए सबसे पहले इन्हीं के घर क्या बात तो इसका मतलब है कि <laughs> हुजूर को पहले खबर थी कि ये मुसलमान हैं। तो हम देखते हैं कि हजरत सीधा उम्मानी रजी अल्लाह तहा जिस तरह भी मुफ्ती साहब ने जिक्र फरमाया कि हजूरअसलातम ने तबर्रता किया तो ये पूरा खानदान बजाते खुद भी उम्मत के लिए तबरुकी है हाँ। और खुद ये नहीं कि हम तबर्रुक हो तबर तो हमें तबर्रुक की जरूरत नहीं है खुद हजूरअसलातम के तबरक से अपने आप को हमेशा रखा करते थे तो हजूर सल अलाम ये मैं अर्ज कर दू वजाती तौर पर ये पहले दिन की बात नहीं जो मैं अर्ज करने लगा अच्छा। चूंकि हजूर रमजानक में दाखिल हुए थे मक्का मुकरमा में, मुकर में। तो इधर तशरीफ़ लाए लेकिन उसके बाद आप तकरीबन को डेढ़ माह मक्का मुकरमा में काम इकामद पजी रहे फिर आप आगे तशरीफ लेकर गए तो ये रमजान शरीफ के बाद का एक मौका है कि जब आपने उस वक्त नफली रोजा रखा हुआ था और हजूर सल अला के घर में तशरीफ फरमा थे हजूर सलम ने एक मौका पर इनको अपना तब्रुक यानी पानी नोज फरमाया और वो इनको अता कर दिया आपने ये बात बरमला कहकर हुजूर से अपनी मोहब्बत और इश्क का इजहार कर दिया आपने फरमाया अगरचे मैंने रोजा रखा हो लेकिन मैं अपने रोजा पर हुजूर के तबर्ण तबर्ण देती। तो ये कहते हुए आपने पानी करना शुरू कर दिया यानी वो अमल और, ये अकीदा। और अकीदे का फिर इनका अमल तो बता दिया कि अमल से पहले अकीदे की दुरुस्तगी जरूरी होती है वह आपका अमल अकीदा गलत है तो फिर आपके किसी कार्य होगा तो हजूर सल असलम भी इनके साथ मोहब्बत और शफकत फरमाया करते थे खसूसी तौर पर एक मरतबा इन्होंने हजूर सल अलाम से ये अर्ज किया हुजूर मुझे कोई ऐसी चीज का मशवरा आता फरमाया जो दुनिया में मुझे नफा देती रहे अच्छा तो आपने फरमाया कि ऐसा करो कि एक अच्छी नस्ल की बकरी ले लो बस बकरी लेना तुम्हारा काम है हमारे कलेमाते हैं तुम्हें दिन में भी फायदा देती रहेगी तो अब ये की जुबाने फैसे से निकला वो फायदा जानवर को घर में रखना भी हाँ। अच्छा, है। तो ये भी आपने उसी तरफ इशारा कर दिया कि जानवरों को घरों में रखना एक और जीरो को बढ़ाने की बात है तो उसका जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हारे हाथों लिखा है तो उसकी बरकत से अल्लाह तुम्हें भी और इनाया फरमाएगा हजरत

ये आगे दौड़ते हुए हजरत सैदा उम्मे हानी के पास ये के हमें अमान दी अल्लाह कमाल अब बात आप बात। ये तवज्जो फरमाए अमान दी तो कैसे दी इनको अमान देते हुए एक कमरे में दाखिल कर दिया और कमरा बाहर से बंद कर दिया हजरत उम्मेहानी हजरत उम्मे हानी ने उधर से हजरते मौला अली अल مرتضی आ गए आपके हाथ में तलवार थी यानी वो आए आते अमान तलब की चश्मे जदन में उसी तरह आपने कमरे में भेज के बंद कर दिया अब अगरचे वो भाई थे और ये भागे हुए काफिर थे जी हजरते मौला अली पाक इस्तेहकाक रखते थे कि कमरे से बाहर निकाल कर इनको कत्ल कर दें लेकिन आपने ये लिमिट्स कायम करके बता दिया कि अगरचे बहन का घर हो तो उसके घर में आप मुकम्मल तसर्रुफ का हक नहीं नहीं रखते ये नहीं है कि मैं उधर गया हर चीज पे मेरा कब्जा है ये हो, नहीं होगा हो। तो आप उधर रुके और इनसे तकाजा किया कि वो मेरे हवाले करो उन्होंने कहा रुक जाए आप खुद हुजूर की बारगाह में गई हजरत मौला पाक ने फिर भी दरवाजा नहीं खोला और तलवार सोन खड़े रहे हैं अब हजूर दी है और मौला इनको करना चाहते हैं तो फरमाया जिसको आपने अमान दे दो चीजें आ गई एक तो हुजूर ने इनकी जात को इनकी जाहिर कर दी और दूसरा यह भी बता दिया कि औरत की अमान भी अमान हुआ करती है मर्द होकर उसकी राय को मेट करने का हक नहीं रहा तो एक आखिरी बात इस बारे में अर्ज करना चाहूंगा जो इमाम तबरानी ने बयान किया अलमोज कबीर में और इमाम ने और दिगर ने बयान किया है हजूर सल्ला नमाज असर फरमाई हजरत इमाम हसन हुसैन पाक आपके पुष्प पर सवार हुए अब उसके बाद ये हुआ कि नमाज से फारिग हुए तो हजूर पास मौजूद थे लोग साहब उनको ये वाजे किया क्या मैं तुम्हें ये ना बता दूं जिसके नाना और नानी सबसे आला है क्या मैं तुम्हें ना बता दू कि जिसके फुफो और चचा सबसे आला है ना बता दू जिसके खाल और मामू सबसे आला है मैं ना बता दू जिसकी माँ और बाप सबसे आला है अर्जी

मेराज का आगाज़ भी इन्हीं के घर से हुआ है तो उसी मक्का की फतह का आगा वाह वाह सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह यानी तस्खीर अफलाक भी उन्हीं से और तस्खीर कुलूब भी उन्हीं के घर से बहुत नायत मोहतरमा डॉक्टर कुर्रतुल ऐन ताहिरा साहिबा बहुत अज़ीम शान शख्सियत हैं तारीख़ इस्लाम की हज़रत असमाबिन अबी बकर उमिन हज़रत आयशा की हमशीरा और इनकी ख़िदमत और इनके फ़ज़ाइल शख्सियत और जो जाज़बियत है इनकी ज़िंदगी में और इनका जो सब्र सब्रमल्ल है उसके बारे में कुछ फरमाइया रबी शरासलीसानी यफ़ा हुकौली सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया आपने इतने अहम मौजु पे यहाँ मधु किया इस प्रोग्राम में हज़रत हज़रतम बिन तबी बकर रज़ील्हुम किसी तारफ़ के मोहताजनी तारीख़ इस्लाम में अगर इनकी खदमात को देखा जाए हज़रत अबूबकर खलीफ़ा अव्वल की साहबज़ादी हैं की साहबज़ादी। जी बिल्कुल और आपका जो पूरा ख़ानदान था वो कह लें कि सल्लम के साथ शाना बशाना पहले दिन से खड़ा था पहले दिन। यानी आप इस्लाम वही से पहले भी हजरत अब बकरीक़ आपके साथी थे और उसके बाद भी सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में थे तो हजरत के वक्त जब हिजरत का मौक़ा था और ऐसा मौका था कि जब कुरैश ने बहुत तंग कर दिया था आपको तो वो एक अल्लाह की तरफ़ से हुक्म हो गया कि हिजरत की जाए उन मजालिम से तंग आकर तो जब वो हिजरत कर रहे थे तो वो एक बिल्कुल राज में रखने वाली बात थी और उस राज से सिर्फ़ हजरतमा और हजरत बकरीक यानी रसूल पाक कई इस अमल से वाकिफ़ जो ख़ानदान था वो सिर्फ हजरत अबू बकर जो थे उनका खानदान था मतलब डॉक्टर साहब तो रख सकती हैं बिल्कुल रख सकती हैं और <laughs> ये बड़ी आला मिसाल हमारे बिल्कुल, सामने बिल्कुल. आपकी मौजूद है और आप के जिम्मे काम ये था कि जब आप घर से निकले हैं तो हजरत जो है वो रात को खाना लेकर जाती थी उगारे शौर तक पहुँचाती अच्छा। थी और उसमें बड़ी हैरानगी की बात ये भी है कि आप जो है उस वक्त हामिला थी और आप उस उसमलर था सफर, उस होगा तकलीफ दे वो सफर का। था सहरा था फिर रात का वक्त है आपको सफर करना है और आपको वहां पे खाना पहुँचाना है और इस तरह से पहुँचाना है किसी तो तो का कि कि कानों कान खबर ना हो और आपने वो अमल जो है वो इतनी उमदगी से सर अंजाम दिया उस खाना तैयार करने में शामिल होती थी और वो जब सारा काम होता था तो वो खाना लेकर जाने का जब वक्त आया तो आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिससे उसको बांध के तो वहां तक ले जाया जाता तो आपने अपनी बेल्ट जो आपने बांधी हुई थी जो कपड़े की सूरत में कपड़ों अरबों का जो एक रिवाज अच्छा। होता है उसके मुताबिक वो कपड़ों के ऊपर जो बांधी हुई थी आपने उसको खोला और उसको दो हिस्सों में तकसीम किया उससे उस खाने को बांधा और इस तरह से बांधा कि खुफ़िया रहे वाँ वाँ वाँ। और वो सफ़र किया रात के वक्त आपने तो जब रसूल रसुल की ख़दमत में हाज़िर हुई और देखा रसुल्फा वसलम ने कि आपने अपनी उस बेल्ट का इस्तेमाल किया है उस खाने को पहुँचाने के लिए तो आपने उस वक्त उनको जन्नत की बिशारत दी और कहा कि आपकी इस मुताक़ के बदले अल्लाह आपको दो बेल्टें दो बल बेल्टे जन्नत में फरमाएगा या निजात नज़ा वक्त हाँ, से आप अच्छा, जो है वो लकब जो है वो हमने तारीख में सुना उसके अलावा भी जब हिजरत हो गई हिजरत के बाद यहूद और उनकाफरीन की तरफ से ये कहना शुरू हो गए लोग कि जी ये मुसलमानों के ऊपर हमने जादू कर दिया है हाँ। और इनके यहाँ कोई औलाद नहीं, नहीं होगी नहीं हो और उस वक़्त जो है अल्लाह ताला ने हज़रत ज़ुबैर जो थे अब्दुल्ला बिन जुबैर वो हज़रत अस्मा के घर पैदा हुए और वो तम पहले मौलूद थे मदीना मुनवरा में जी बिल्कुल और रसिल्बा खुद उधर तशरीफ लेकर गए और उनको जो है वो अपना लुआबे दहन जो है वो उनके मुंह में डाला और वो पूरे एक मक्का के लिए जो है मदीना के लिए बहुत ही खुशाइंद दिन था और बहुत उसको आ, एक तरह से कह लें कि जिसे हम कहते हैं सेलिब्रेट किया आ, गया कि आज हमारे घर एक नया मोमिन जो है उसकी विलादत हुई है इसके अलावा आपके और भी औलाद थी जिसमें उर्वा मंज़र आसिम उम्म हसन और आयशा रजी अजमाइन ये थे आप बहुत कवा सवाहार और हमामतलमस्जिद आपका अच्छा। लग भाई निरात को क़याम करने वाली दिन को सयाम कर रखने वाली और हमामतुल मस्जिद कहा हमामतुल मस्जिद का मतलब इसका यह है कि आप मस्जिद में कसरत से आना जाना किया करती थी तो मुसलमान एक जो रिवाज है या कहा जाता है कि खातिन के लिए मस्जिद तक आना भी हमारे लिए दुशवार हो जाता है तो जो मुजाह जो हमारी सहाबियात हैं जिन्हें हम हमारे लिए रोल मॉडल हैं उनको अगर हम देखें तो वो मसाजिद की तरफ उनका जाना आना इतना दुशवार नहीं हुआ करता था इसके अलावा सबर में शुकर में सखावत में और सखावत के हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हज़रत आयशा के बारे में हज़रत आयशा रजील उन्हों के अनहहा के बारे में कहा जाता है कि आप थोड़ा जमा करती थी फिर सखावत करती थी अच्छा। फिर उसको देती थी लेकिन हजरत असमा रजी अल्लाह के बारे में मैंने पढ़ा कि आप बचाती ही नहीं थी अच्छा। ये नहीं कि मैं कल के लिए रख लूँ आप जो आया, जो आया उसी वक्त उसी वाँगी। उसे अल्लाह की राह में दे दिया करती थी आपसे जो है वो अठावन अहादीस जो है वो भी मरवी है और इसके अलावा मार्काई यरमूक में भी शरीक हुए यानी आप जिहाद भी करने वाली जो सहाबियात है उनमें शामिल थी और इसके अलावा सौ साल की तकरीबन आपकी उम्र हाँ, थी। आप देखिए ना डॉक्टर वो जो अपने बेटे की लाश लटकती हुई देख के बिल्कुल जो इरशाद फरमाया बिल्कुल वो कोई मामूली खातून तो नहीं कर सकती देखिए अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी जब इनकी वो खिलाफत कायम हो गई थी तो मक्का उस खिलाफ जी मक् मुकरमा में और उसको खत्म किया गया बज़ोरे बाजू और हजार बिन यूसुफ ने जिस तरह से उसका कह लें के

बावकार अंदाज से और मरो तो वो भी बावकार हो तुम, तुम्हें बाव। असीर नहीं होना बाव। तो वो आप अमल कर दिखाया अमल कर दिखाया और आप शहीद हुए और आखिरी बात करती हूँ सैदा असमा के हवाले से के आप सिर्फ अमली अतबार से आप जो अमाल हमने देखे वो तो थे ही थे आप देखें कि वो शेर व शायरी के अंदर भी बहुत बलागत की मालिक थी और वो बहुत ज्यादा उमदा शायरी भी करती थी तो और आपने अपने जो जोज जो जो थे जी शोहर शोहर जो थे जुबैर बिन आवाम उनकी वफ़ाद मरसिया भी कहा अच्छा। जद तो की, की खतरा से न डरने वाली और ईमान पर कायम जिंदगी थी जो की आज की हम सब खुवा के लिए मशहत खूब बहुत इनायत आपकी नाजरीन कराम बहुत खूबसूरत गुफ्तु हो रही है बहुत पाकिजा जिक्र है साहब याद का जिन्होंने रसूल्लम से जन्नत की बशारत पाई हमें एक मुख्तसर वक्फा लेना है दरूद पाक का बहुत जल्द दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं हमारे साथ रहिएगा असलकुम नाजरीन आपको सुबह नूर में दोबारा खुश आमदेद कहता हूँ हम जिक्र पाक कर रहे हैं उन मुक़दसावियात का उन महतरम खातियों का जिन्होंने रसूल सल्ला वसलम की ज़ुबान मुबारक से जन्नत की बशारत पाई अपनी ख़दमत से अपनी मोहब्बत से अपने इतबा रसूल से और इस्लाम में अपनी पुख्तगी से अब अगले मरले पर मैं मुफ़ी मोहम्मद फ़ारुक साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमें ये बताइए कि हज़रत अम सलेम बिन त मिलहान उनका किरदार हमारे लिए बहुत ही मशल रहा है इतनी अमली ज़िंदगी उन्होंने इस्लाम की खिदमत में गुजारी और तरह तरह की उनमें सिफ़ात थी और रसुल्लाम ने उन पर बड़ी इनायत की नवाज़िश फरमाई उनके बारे में कुछ आगाह जी बेहतरीन रोल मॉडल हैं जी कमाल की खातून थी जी सही बुखारी की हदीस पेश ख़ ख़दमत है जना हज़रत जाब बिन अब्दुल्ला से मरवी हबीब खुदा सल्ला वसलम फ़रमाते हैं दखल तोन्ना अच्छा मैं जन्नत में दाखिल हुआ फैदात अबी अल्लाह मैंने देखा वहाँ पर <laughs> तो यह जन्नती खातून इस एतबारिसालत से, से ही ठहरी कमाल और दुनिया में ही इन्हें ये बशारत अल्लाह के हबीब ने अतः फरमाया कबीला बनु नजार से इनका तल्लुक था अच्छा और ये नस्बी अतबार से हज़रत मुत्तलिब की वालदा जी हजरत सलमा की पोती लगती हैं अच्छा इस एक अतबार से ये रसूल सल्लम की खाला ठहरती हैं हाँ रिश्ते में खाला यही वजह थी कि आका क़रीम अलैहिस्सलाम इनके यहाँ अक्सर तशीफ़ ले जाते इनकी मिजाज पुरसी फरमाते इनके यहाँ बसावत वक्त गुजारते और ये बहुत खिदमत किया करती थी अल्लाह के हबीबल की आपको कई एतबार से दीगर ख़वात पर एक इम्तियाज़ हासिल था जी मसला दानाई नुकता शनासी जहानत फ़तानत मामला फाहमी क्या बात और आपके अंदर जो एक ख़ास कुत फ़ैसला थी हती के बने अब्बास और हजरत ज़ैद के दरमियान एक मरतबा एक मसले पर अख्तिला हुआ तो हकम उन दोनों ने बी रिस है तो बेश दोनों, 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 दोनों फकीर सा लेकिन हजरत उम सी उनके यहां भी हजरत उम सम के फैसले और आपकी बसीरत की बीरत पर इस कदर एहतम दूसरा एतबार ये कि हजरत उम्म इस सब के साथ साथ में अच्छा। सहाबा कराम के लश्कर की खास मुआवनत फरमाती थी इसलिए आपका सोशल करेक्टर बड़ा अहम था वाह मसला गजबा अहद देखें गज़बा हुनैन देखें तो जो सहाबा कराम जख्मी होते उनकी एज ए डॉक्टर क्या बात ट्रीटमेंट करती वहाँ नंबर टू इस सब के साथ साथ जी जिसमानी एतबार से भी कुत थी अपने कंधे पर पानी का भरा हुआ हाँ। लाद कर हाँ। आप जख्मी साहबा को पानी पिलाती पिला 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 और आपके साथ दूसरी खातून होती थी अच्छा। का ये किरदार भी खातिन के लिए रोल मॉडल है बिल्कुल तीसरी बात आपकी शख्सियत में जो सब्रहुल था डॉक्टर साहब यकीन मानिए ऐसी मिसाल नहीं मिलती अल्लाह अकबर आपके बेटे उमेर का विसाल हो गया अच्छा जो हजरत अबू तलहा से थे जी हजरत अबू तलहा कुछ सहाबा को लेकर घर आए दावत के लिए कि मैं इन्हें खाना खिलाऊं अच्छा अब घर में मैयत पड़ी है अल्लाह और Akbar. वो भी बेटा दिल का टुकड़ा अल्लाह अकबर इन्होंने देखा कि वो आ रहे हैं मेहमानान को लेकर जी असहाबे रसूल को लेकर अपने बेटे को कमरे में एक तरफ लेटाया उसके ऊपर कपड़ा दे दिया अच्छा। खाना तैयार किया खाना खिलाया मेहमानों की खिदमत की हो, हो, हो। वो चले गए हजरत तलहा ये खबर सुनकर गमनाक ना हो जाए वो भी जब सब से फ़ार होकर बिस्तर पर सोने आए तो उनसे फरमाने लगी कि मुझे ये बताइए कि कोई शख्स आपके पास अमानत रखवाए जी और एक मुद्दत के बाद वो कहे कि मुझे मेरी अमानत वापस की बात है आप क्या करेंगे है त अबू फरमाने लगे उसकी अमानत फौरन वापस, वापस करनी कर चाहिए तो बिल्कुल فرمایا फिर सुन लीजिए अल्लाह करीम ने अपनी अमानत आपसे वापस ले अल्लाह बहुत ही मुश्किल काम है मुफ्ती साहब जनाब है वाला उस वक्त इस एतमाद और हौसले के साथ ये गुफ्तगू करना और हकीकत हाल को समझना सही बात और फिर समझाना और इस दलील के साथ और जब यह बात अबू तलहा ने सुनी

अच्छा जी बड़ी खास बात जी एक दो बातें मैं जल्दी से समेट जरूर। था। असी को लेकर तो <laughs> हमारे घर में तो सिवाय चंद रोटियों के कुछ भी नहीं फरमाया जो है ले आओ हजत उम्म ने पेशे खिदमत किया रसूल ने फरमाया रोटियों का चूरा बनाओ और दस सहाबा को फरमाया जाओ अच्छा उस दो रोटियों के चूरे में से दस ने पुरबाश होकर खाया सैर हासिल, खाके चले फरमाया फिर दस आ जाए वो खाकर दस दस, दस दस आते गए खाना वहीं का वही अस्सी ने खा लिया और ये हदीस बुखारी में मौजूद मेरे रसूल सल्लम ने जहां कदम रखा बर्बाद का डेरा हो गया जहां आप कुछ देर आराम फरमाने लगे या कहीं हाथ मस्त कर दिया या जहां सांस भी ले खुदा की कसम ले लीजिए वहां आज भी बरकत है ऐसा ही है तयबा का एक एक हिस्सा गवाह है और फिर हजरत उम्मे सुलेम ही थी जिन्होंने रसूलुल्लाह के पसीने मुबारक को जमा कर लिया है, 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 है। हबीब खुदा जो खुशबू आप किसी खुशबू में नहीं है ये वही हजरत उम्मे सुलेम हैं जिन्होंने वसल्लम के हज के मौके पर जब आपने बाल मुबारक अपने सर मुबारक का हल करवाया तो अपने बेटे अनस को भेजा वो ले आओ इससे बड़ा तबर क्या होगा? कमाल है और मरीज आते हैं इनके घर पानी में घोल कर वो बाल मुबारक मुए मुबारक मरीजों को पानी पिलाती मरीज शिफायाब हो जाते उसी साहब इससे तो फिर अकीदा तो तो नहीं मुतजल no, होगा इसलिए कि वो जानते थे कि खुदा नहीं है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को इन बरकात से माला माल किया है जी। और लब्रेज और फरमाया आखिरी बात हजरत ने हुजूर की खिदमत में अपना बेटा पेश किया जब हुजूर मदीना तयबा में आये का यार या आपकी खिदमत में हजरत अनस दस जी। साल तक रसूल के पास रहे और फिर बहुत बड़ा काम आपने समेत चूंकि आपने खत्म हो गया इसलिए मैं आगे बात नहीं बढ़ा रहा सिर्फ एक जुमला जरूर माँ कौल अली उफ से आप सलामत रहिए आप सलामत रहिए मोहतरम बरकती साहब इन्हीं की हमशीरा हराम बिन तलहा देखिए दो बहनों की शादत है कि दोनों को जन्नत की बशारत मिली वो क्या औसाफ खूसियात सिफ़ात थी आपके ख्याल में जिनके पेश नज़र अल्लाह के रसूल घराना ही जो है ताल वसम के साथ रिश्तादारी के बावजूद आपके उत्साह का हा हा। और उनका कदम कदम पर हुजूर से प्यारो मोहब्बत का इजहार जो है वो को तो और सैयर के अंदर मामूर नजर आता है तो एक मैं मुफ्ती साहब की जो इंतहाई पुरकैफ गुफ्तु थी उसमें एक और इजाफा करके आगे बढ़ना चाहूंगा आपने फरमाया कि वसलम तशरीफ लाए इनके घर में और सहाबा को खाना आपने अता किया तो उसमें पहले कुछ ये भी इमाम बुखारी ने अल्फाज दिए हुए हैं फतकल्लम अभी मा अच्छा। शाह अल्लाह अकूल उस खाने के ऊपर जितना आपने चाहा उतना कलाम पढ़ दिया अच्छा तो वो कलाम क्या था हुजूर की जुबान से या कुरान है या हदीस है तो खाना सामने रख कर उसके ऊपर अगर कुरान पढ़ा जाता है तो हुजूर की सुन्नत हुआ चाहे इसको खत्म शरीफ कह लें या कुछ और कह लें तो अब हम आगे बढ़ते हैं हजरत उम्मे हराम बिनते मिलहान रज़ी की तरफ तो हजूर सल सल्लम इनके साथ भी इंतहाई मोहब्बत फरमाते थे क्योंकि वही रिश्ता जो हज़रत उम्मे सुलेम के साथ था वही रिश्ता इनके साथ भी था तो हज़रत उम्मे सुलेम और हज़रत उम्मे हराम के एक भाई भी थे जिनका नाम हराम था जी तो ये बेरे मौना में शहीद हुए थे अच्छा वो जो कुएं के ऊपर साहबा की शहादत हुई इस्लाम की सरफरोशी के लिए उनके अंदर इनके भाई भी शामिल थे और इस हाल में कि उनका चेहरा जो है वो खुद उनमें हराम बयान किया करती थी कि खून से लबरेज था लेकिन फिर भी आखिरी वक्त में वो दीने इस्लाम के ऊपर इस्तेकामत और इजहार करते हुए जा रहे थे हज़रत उम हराम बिन तिलहान आप ज़ाहिर है कि कसरत से दीगर सहाबियात बल्कि उनसे बढ़कर भी आप जो हैं वो दिन में नफली रोज़ा और फिर रात में नफली नमाजों की कसरत करना ये आपका तुर्र इम्तियाज रहा सही सल्लल्लाहु सल अलैहि वसलम कभी कभार उनके घर में हज़रत उम सुम के और कभी कभार इनके घर में दिन में कैलूला फरमाने के लिए तशरीफ ले जाया करते थे हज़रत उम सजरत उम हराम बिन तिलहान के जो पहले हाम है अमर बिन कैस वो उहद में शहीद हो गए तो उसके बाद दूसरी शादी इन्होंने मशहूर से आबील हजरत उबादा बिनित रजी अच्छा। से फ़रमाई और उन्हीं के हाँ ही हज़रत अमीर माविया के दौर में इनकी शहादत हुई हजरत हराम बिन तिलहान रजी हजूर सल्लाम के साथ प्यारो मोहब्बत करते हुए हम देखते हैं कि जहाँ एक उम्र

हुजूर हजूर अलैहि वसल्लम इनके घर में आराम फरमाया दोपहर का टाइम है तो आप अचानक मुस्कुराते हुए उठे अच्छा तो इन्होंने अर्ज की हुजूर ये आज उठते मुस्कुरा हुए की वजह तो ताला वाली हैं कि मैंने देखा है कि मेरी उम्मत में से बहुत से मुजाहिदीन ऐसे हैं जो समंदर की तह के ऊपर होकर नहीं जाएंगे मसरूर होकर जा रहे हैं खुशी से जा तो इन्होंने वो हजूर का जो इंतहा मुस्कुराते हुए वालिना अंदाज में अपनी उम्मत के उन मुजाहिदीन की शान बयान करना है तो आपने अर्ज किया नहीं मेन हम आप दुआ फरमाए अल्लाह मुझे उन्हीं में, में से तो कर ने मुस्कुराते हुए इनको दुआ भी दी और औरत भी दी। <स्थिति> फिर दूसरी दफा ऐसा हुआ तो फिर इन्होंने अर्ज की, की मेरे लिए दुआ करें तो यहाँ यह पता चल गया कि अगर एक दफा आपके लिए कार्य खैर की दुआ हो गई है तो आप उस पर इतफा ना करें बार बार दुआ की अल्तजा करते रहे तो हुजूर ने फरमा दिया अंतमिन को आने वाला शक न करे शायद मेरी पहली पूरी नहीं तुम्हारे पहले ही पूरी हो अलावा बरक़ाती साहब बहुत कलील वक्त लेकिन इसके बावजूद मैं चाहूंगा कि एक सवाल आपसे करूं एक जुमले में हराम का जो लफ्ज है हमारे उर्दू में और सब में तो इसके अजीब से मानी है अरब में ये आम नाम नहीं, दो तरह की, होती है। दो तरह की। एक ऐसी है जो अपनी नज सोने की वजह से लेकिन एक अपनी की बहुत ज्यादा पाकिजगी की वजह से थी जिस तरह हम मस्जिद मस्जिद बोलते हैं और ये अल्लाह तक खुद कुरान पाक में इस्तेमाल किया तो बहुत ज्यादा इसी तरह बहन और भाई का रिश्ता आराम है वो बहुत ज्यादा उनके तकदीस की वजह से है तो ये उसी कैटेगरी में है है जो बड़ी हैं है। है। आप उसका कुछ जिक्र कर दीजिए तारफ़ कर दीजिए और जिमन बहस को समेटते हुए आप ये भी फरमाइए कि हमने जो तस्कार किए हैं आज की खातिन के लिए इनमें क्या सबक है कोई रोशनी वो हासिल कर सकती है इनके जी हज़रत उमे जुफ़र के हवाले से जो हदीस बयान होती है उसमें अता बिन रबा उसको रिवायत करने वाले हैं और वो कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास जो हैं उन्होंने ये कहा उनसे कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जन्नती औरत दिखाऊं अच्छा तो उन्होंने कहा ज़रूर मैं तो देखना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर अगर मुझे जन्नती औरत मिले तो आपने इन उमे जुफ़र की तरफ इशारा, इशारा किया और उमे जुफ़र जो हैं वो एक स्या आम यानी एक हबशी ख़ातून थी और तवील कामत भी, तवील कामत थी।, भी थी बिल्कुल और यानी एक जो एक आ, रवायती तसुर है एक जन्नती औरत का कि वो बहुत उसमें ज़ाह्री हुसन की तरफ हमारा ज़हन जाता है लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं जितना हज़रत बिलाल रज़ी जन्नत के सरदारों में से हैं और इसी तरह हज़रत में फ़र जो हैं वो भी यानी जन्ती ख़ातून की एक मिसाल है हमारे सामने अब इनका सिलसिला किस तरह था बशारत इनको कैसे जन्नत की मिली वो वाक्य इस तरह था कि आपको मिर्गी का दौरा जो है वो पड़ा करता अच्छा। था और उसमें कहते हैं कि आपको पता नहीं चलता था कि क्या कर रही हैं आप सतर जो है वो जाहिर हो जाता था तो उसमें आप रसोलम के पास तशरीफ़ लाई और आपने कहा कि मेरे लिए दुआ फरमाइए कि मैं है कि बेपर्दगी नहीं मैं मैं बीमारी से निजात पा पालू तो आपने कहा कि तुम क्या चाहती हो कि तुम सब्र करो और जन्नत पालो या फिर इस इस बीमारी से निजात पालो तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं सबर कर, करके जन्नत हासिल करना चाहती हूँ <laughs> क्योंकि ये भी देखिए कि जन्नत का हसूल एक कन्फर्मेशन के साथ मिल रहा है तो सलम की जुबानी तो आपने कहा तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत है तुम सबर करोगी तो तुम्हारे लिए जन्नत है इस बीमारी के साथ हाँ। लेकिन आपने कहा कि मैं फिर भी सदर के खुलने से मैं बहुत परेशान हूँ वो नहीं होना चाहिए तो उस पर रसोलसम ने फरमाया दुआ फरमाई उनके हक में और उसमें आप जो है जब इस तरह की कोई कैफियत होती थी तो अल्लाह की तरफ से ही कहते हैं कि जो अस्तार काबा का है हो जाता जी काबा के साथ जो है वो उसके साथ लिपट जाती थी जिसकी वजह से वो सतर पोशी रहती थी आपकी और वो दोबारा से कैफियत नहीं होती तो इस तरह से हमारे लिए जिंदगियों में आप जितनी भी हमने सहाबियात का ज़िक्र किया है उसमें अगर हम देखें तो जफ़र का अगर ज़ुफ़र का हम देखते हैं कि इतनी बीमारी की हालत में भी आप चाहती हैं कि आप पर्दे की हालत में रहें आप बेपर्दा ना हों तो वो चीज हमें हया तो और मतलब और एक और आपके पास उजर भी है कि बीमारी है आप निकल सकते हैं इसके बावजूद उसको आपने नापसंदीदा फरमाया क्योंकि आपको पता है एक मुसलमान औरत जो है उसके लिए बापर्दा होना बासतर रहना जो है वो कितना जरूरी है इसके अलावा देखिए कि सूरा नहल के आयत नंबर सतानवे में जिस तरह काई साहब ने भी बयान किया कि इर्शाद है कि मन आमिर सवाल है मिनजाकर वह हुआ मोमिन यातबाज हाँ। ल... बीम कानू या मलून यानी जो उनसा में अमले करता और है मर्द और औरत में से जो भी करेगा तो अल्लाह का वादा है उससे और दो ताकीदे हैं इसके अंदर ना कि ज़रूर ज़रूर हम उसे हयात तयबाता करेंगे और ज़रूर ब ज़रूर उसे हम जजाये खैर देंगे इसकी लेकिन किस बिना पर देंगे बीमा कानू या जो वो अमल करते थे तो हमारा इसमें सबसे बड़ा जो हमारे लिए सीखने का मुकाम है वो ये है कि बात कॉल की कॉल पे अल्लाह ताला ने नहीं नवाजना जो जजा है वो अमल मिलनी मिलने कॉल और अमल में मुताबकत हो हो बिल्कुल और सहाबियात की ज़िंदगी अमल की मुताबकत थी वो कौली शहादत नहीं थी वो उनकी अमली शहादत थी। थी। पूरी ज़िंदगी उन्होंने अमल से साबित कर दिखाया कि वो जो कहती थी उन्होंने उसको कर दिखाया वो देखिए कि उनकी ज़िंदगी के अंदर हमें जद्दोजहद मिलती है कदमी मिलती है अल्लाह से जो अहद बांधा उन्होंने उसको इफ़ा किया समाजी किरदार मिलता है किरदार है, जिहाद में शिरकत है बतौर डॉक्टर बतौर नर्स वो अपना किरदार अदा कर रही हैं सखावत है इल्म के हसूल के लिए वो जा रही हैं शहादत इस तरह उन्हें जो है उम्मे सुलेम का उम्मे सुलेम और उनकी जो उम्म जहाँ का जिक्र हुआ उनकी शदीद ख़्वाहिश थी शहीद होने हाँ। की और अल्लाह ताला ने उनकी शहादत की ख्वाहिश को भी पूरा, पूरा फरमाया फिर अता, अता अल्लाह की अतात उसके रसूल की अतात है और दीन उनकी ज़िंदगी में तरजीहात उनकी जो तरजीहत सब सर फहरस्त था ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि सबसे पहले उन्होंने अपनी ज़िंदगी के लिए सबसे पहली तरजीह क्या है अल्लाह और उसका दीन जी। और फिर अपनी औलाद भी वक्फ करने से गुरेज नहीं किया ने मालिक को आपके पास सल्दा सल्दा पास छोड़ दिया दिया आप सलम के और उनको वक्फ कर दिया। तो आप सहाबियात की पूरी जिंदगी हमारे लिए जो है वो है वो एक एक सहाबी की जिंदगी हम उठा के देखें तो हमारे लिए बहुत ज्यादा उसके अंदर मुकामात हैं जिनसे हम सबक हासिल करें मैं बहुत शुक्रगुजार गुजार हूँ मेहमानों का आप सब तशरीफ लाए बहुत खूबसूरत गुफ्तु हो गई नाजरीन आपने भी जरूर ईमान अफरोज़ी और बरकत हासिल हुई होगी आपको हमारे पास अब इख़्तिताम का वक्त आ पहुँचा है हम सब मिलकर आप भी हमारे साथ शामिल हों नारा लगाते हैं पाकिस्तान का पाकिस्तान का मतलब क्या मोहम्मद